Hey, what's up everybody? तो इस वाली वीडियो में हम लोग रिव्यू देने जा रहे हैं अपने हीरो स्प्लेंडर एक्स 2 की। तो चलिए रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी फ्रंट सस्पेंशन की। तो गाइस इसका फ्रंट सस्पेंशन काफी अच्छा है और काफी अच्छी क्वालिटी लगी। आप जैसे कि अगर आप ऑफ रोडिंग करें तो काफी अच्छे इसके शॉक्स भी हैं और आपकी मदद भी करते हैं। और इसमें आपको फ्रंट डिस्प्ले मिल जाता है, 180mm का डिस्प्ले है इसमें। और तो गाइस मुझे इसमें एक बात और लगी, इसमें आप डुअल डिस्प्ले लगा सकते हैं। जैसे कि आप लेंगे और बात करते हैं इसकी शॉकर के बारे में, तो शॉकर भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस करता है, आवाज नहीं आती है। और कुछ लोग कहते हैं कि शॉकर से पीछे का जो टायर होता है वो टेढ़ा हो जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, शॉकर से फ्रेम बिल्कुल सही रहता है। और बात करते हैं इसकी सीट की, तो इसकी सीट भी काफी अच्छी क्वालिटी है। इस वन से गाइस काफी अच्छा कम्फर्टेबल सीट है और मडगार्ड भी काफी अच्छा है इसका। ये 21 स्पीड शिमानो गियर साइकिल है और इसके हैंडल बार में आपको इस तरह से गियर मिलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे गियर मिल जाता है और हैंडल बार भी काफी अच्छी क्वालिटी का है। और ब्रेक आप देखिए गाइस, जैसे कि ब्रेक बहुत अच्छे हैं। मैं फ्रंट आपको ब्रेक लगा के दिखाता हूँ, ये देखिए काफी अच्छे ब्रेक है इसके और काफी अच्छी बाइक है। मेरे को तो काफी अच्छी लगी, काफी आपकी मर्जी है। और गाइस फ्रेम बहुत ही मतलब ब्रेक गाइस स्टिकर्स इसके बहुत ही अच्छे हैं और रियर टायर भी काफी बड़ा है और डिजाइन बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छी साइकिल है। और इसमें रेड डिस्प्ले का ऑप्शन भी मिल जाता है जो कि मैं आपको सिनेमैटिक में दिखा दूंगा। और यहाँ पर आपको पावर ब्रेक मिलता है कंपनी की तरफ से, लेकिन आपको रेयर डिस्प्ले का भी ऑप्शन मिल जाता है इसमें। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूँ कि 21 स्पीड शिमानो गियर से इसमें हैवी ड्यूटी सस्पेंशन है, डुअल डिस्प्ले का ऑप्शन है फ्रंट में और इसमें 21 स्पीड शिमानो गियर से। और हैंडल बार काफ़ी अच्छे हैं, टायर भी काफ़ी अच्छे हैं गाइस। और फ्रेम की बात करें तो फ्रेम भी बहुत ही हैवी है और यार पता नहीं स्टील है कि नहीं, लेकिन बहुत ही हैवी साइकिल है यार, मैं नहीं उठा पाता, शायद आप उठा लो। काफ़ी अच्छी साइकिल लगी, बस यही था। शेयर सब्सक्राइब कर देना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल का आइकन दबा देना अगर अच्छा लगे तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।